अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुल्क का एक तिहाई हिस्सा सैलाब से मुतासर है और बाकी जो बचा बुचा है वो महंगाई से मुतासर है। महंगाई ने 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टमाटर 400 रुपये किलो, आलू 150 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो, बैंगन टिंडे कोई पूछता ही नहीं था, वो 200 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं। माफियाखोरों ने दंग मचाई हुई है, हुकूमत का कोई कंट्रोल ही नहीं है। हुकूमत का कहना है कि सैलाब से जितनी भी ज़राई ज़मीनें थी वो मुतासर हुई हैं और अभी हमारे पास इतने ज़खायर हैं नहीं। हम अफ़गानिस्तान या ईरान से रबते में हैं, वहीं से मंगवाएंगे। तो फ़िलहाल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 28% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सब्ज़ियाँ थी वो तो नायाब भी हो चुकी हैं, कहीं तो मिल ही नहीं रही। जो मिल रही हैं माफियाखोर अपने अलग ही दाम बता रहे हैं। इतनी महंगाई में आम आदमी गरीब जाए तो कहाँ जाए। जो 500-800 रुपए दिहाड़ी कमाता है रोज़ के, उसके खर्चे तो उससे ज़्यादा है। तो वो दो टाइम की अपने बच्चों को रोजी रोटी खिला ही नहीं सकता। सब्ज़ी इतनी महंगी हो चुकी है, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, दाल हो गई, चना हो गया, बेसन का आटा हो गया, ऑयल हो गया, उसके भी दाम हवा से बात कर रहे हैं, आसमान से बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल रही आजकल, इतनी महंगी हो गई है। तो इसमें एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास, छोटे तबके का बंदा वो तो पिस रहा है। अब इसमें आपकी राय में कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे कि छोटे बंदे, मिडिल क्लास के जो दूसरा तबका है, मजदूर तबका, उनको रिलीफ दिया जा सके। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय कमेंट्स में देना ना भूलें।